हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाली हूँ वो पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, इसका साइंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड आपसे बात करने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ बच्चे के सर में जो भंवर होते हैं उससे। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन्हीं लेडीजों के लिए है जिनके पहले से एक बेबी है। बेबी या फिर लड़की हो या फिर लड़का हो, कोई भी हो, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बेबी होना चाहिए। सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। बच्चे के सिर को देख के पुराने लोग ये बता देते थे कि उनके लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो ये कैसे बताते थे? पहला जो बच्चा है उनके सर में भंवर को देख के बताते थे। भंवर, मैं आपको पिक दिखा दूंगी ना, इस तरीके से होता है। भंवर अगर लेफ्ट से राइट की तरफ है तो लड़का होगा, और अगर दो भंवर बने हुए हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूमे हुए हैं तो लड़की होगी। फ्रेंड्स, इस बात का प्रूफ साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका, और डॉक्टर्स भी इसे नहीं मानते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके कमेंट्स से बाकी लोगों को बिलीव हो सके और उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करिएगा, और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर कर लिया करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।